हाय दोस्तों, नमस्कार। आज अपन बताएंगे 2014 मॉडल SLX बोलेरो, इसका डैशबोर्ड कैसे उतारा जाता है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आप देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। अभी अपन सर्वप्रथम अपन इसका ये खोलेंगे, एसी वाला जो हवा आती है ब्लोअर, इसको खोलेंगे अपन ने। ये खोल दिया डायरेक्ट इसको, पहले सबसे इसको पिन को म्यूजिक वाले को बाहर निकाला जाएगा। ये निकाल दिया इसको बाहर, ये साइड में रख दिया अपने को। अभी ये निकाल दिया बाहर, ये भी एसी वाला भी सिस्टम बाहर निकल गया। और इसके बाद अपन डैशबोर्ड की है बोल्ट को ले जाएंगे। इसमें करीबन टाइम लगेगा 25 से 30 मिनट डैशबोर्ड उतारने में। एक मिस्त्री भी साथ में लगा हुए हैं। और इसको अभी स्ट्रिंग को घेरे को बाहर निकाला जाएगा। किस साइड में खुले वालों इसको खुलो, ये खुल गया अपना स्ट्रिंग का स्वरूप बोल्ट। इसमें स्ट्रिंग खुलने में टाइम लगता है, इसमें क्या बहुत टाइट रहती है स्ट्रिंग। ये देखा लो स्ट्रिंग रो इरमाइंड हो ना, ठीक है। चलो पूर के मत बोली कौन ठोकन पड़ी ना, हथोड़ लेके आया ले काड़ वाटा। तू ठीक है दिनेश, सही साइड में काड़ू तू आना। अभी इसको तीन मिस्त्री लगेंगे साथ में, दो जने इसको साइड से घेरा खींचेगा और एक जना इसको दिनेश खींची से और कैसे कैसे किस कैसे जी कैसे जी खुले। अभी इसको अपन हथौड़े की चोट की सहायता से स्ट्रिंग को बाहर निकाला जाएगा। जोर थोड़ा की निकल को है टाइट बहुत है ये, इसमें टाइम लगेगा। अभी अपने को दूसरा मिस्त्री लगाना पड़ेगा इसके लिए थोड़ी की चोट की सहायता से। ये लकड़ा इधर आता हूँ, इधर अभी दिनेश इसको खींच। पूरी चोट लगती नहीं, ये निकल गया बाहर। उसे दिनेश उस साइड जा काड़ दौड़ना, काड़ भी साइड आ जा दिनेश को फिरी। अभी दो आदमी का ही काम है इसमें, गाड़ू
खोलते रहेंगे इसको। ये अपना स्ट्रिंग का बोल्ट खुल गया, इसको अपन बहुत सारे इसको भी निकाल दिया। ये अपनी स्ट्रिंग बाहर निकल गई दोस्तों, देखो 6-7 मिनट हुए अभी स्ट्रिंग का घेरा बाहर निकाल दिया। इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, अब देखते रहे आप इसी को वीडियो को। अभी अपन कवर खोलेंगे, पेज किस किधर गएगा ना, अभी ये बोल्ट खोलेंगे। मान मिस्त्री में तो आगे आगे हाँ भाई बस मीटर को ये भी खोला जाएगा। ये देखो बाहर निकल गए, ये भी स्ट्रिंग का सिस्टम पूरा। और इसके भी नीचे दो ओल्ड बोल्ट दे रखे हैं। ये अपना पूरा ये भी सिस्टम बाहर निकल गया। अभी इसमें अपन क्या रह गए बोल्ट, देखो आप यहां तक अपना खुल गया दोस्तों। ये वाला पूरा निकल गया, स्ट्रिंग वाला भी निकल गया, ये बोल्ट भी रहे, ये भी रहे सिस्टम। अभी थोड़ा बहुत 5-7 मिनट का काम हो रहे हैं, उसके बाद डैशबोर्ड अपना उतर जाएगा पूरा। अभी चलता रहे प्रोसेस अपना, अभी अपन इसका मीटर उतारेंगे। ये दोस्तों अभी अपना डैशबोर्ड निकल रहा है, और मटूनट डैशबोर्ड धीरे धीरे आ रहा बार। अरे रामेश जी ना, अरे खुल गया यार, कहीं मजा करेगा लो, ये तो टाइट गेम है। टाइट है पूरा डैशबोर्ड है, उधर उस तरफ से खींच। इसको भी हम लोग को खोलना पड़ेगा, ये भी अड़चन कर रहा बीच में। निकालना पड़ेगा, नीचे निकल के उधर का इस गाड़ी का डैशबोर्ड ये पहली बार खुला लग रहा है ऐसा है। वो सिस्टम टाइट है इसमें पूरा,
ये लो दोस्तों, ये भी अपना सिस्टम बाहर आ गया है, ये वाला इंडिकेटर वाली पिन वगैरह भी, इसको भी अपन पुश करके पिन को बाहर निकाल दिया, और इसको भी ये बाहर निकाल दिया दोस्तों, देखो बाहर निकल गया, इसको भी बाहर निकाल दिया अपन ने। ये देखो दोस्तों डैशबोर्ड अपना आ गया बाहर। अब इसके जो पीछे की पिन है वो निकाली जाएगी बाहर, देखते रहिए आप। ये पूरी पिन बाहर निकाल दी जाएगी, इसको भी अपन ये पिन थोड़ी सी अटपटी लग रही है, इसको भी बाहर निकाला जाएगा, पिन को भी अलग अलग इसका पर से पिन पूरा खोल देंगे तो ये सिस्टम पूरा लॉक। अरे लॉक खोलन दो, कौन से तोरो ओ माथे खोलन लॉक ओनो। ये निकल गया इसको अपना बाहर दोस्तों, ये दो हीटर के वायर रह गए, इसको भी निकाला जाएगा अभी। ये देखो दोस्त, ये डैशबोर्ड अपना पूरा बाहर निकल गया, अभी इसको बाहर रखा जाएगा, उसके बाद आपको वजह क्या है, इसकी वजह क्या बताऊं आपको, किसकी वजह से डैशबोर्ड उतारा जाए अभी आपको वजह बताएंगी। देखो अंदर कहां कहां तक वो भी बताएंगे आपको, वजह क्या वजह थी इसमें। देखो ये पूरा डस्ट वगैरह से भरा हुआ है, वजह इसकी मैं बताऊं आपको, किस वजह से अपने को डैशबोर्ड उतारना पड़ा, इसकी वजह थी दोस्तों अपने को, जैसे ये डेंटिंग का काम किया जा रहा था, इसकी वजह से ये अंदर वायरिंग वगैरह जो भी थी यहाँ से काट के पीस दूसरा लगाया जाएगा, इसकी वजह से डैशबोर्ड उतारा जाया। और उसके तरफ से आप भी देख सकते हो पूरी ग्लव की वजह से इसको डैशबोर्ड को बाहर निकाला जाएगा, ये चीज़ देख सकते हो आप, इसकी वजह से डैशबोर्ड को बाहर निकाला जाए, और इसकी डेंटिंग भी होगी देख सकते हो आप, डैशबोर्ड पूरा अरे बाहर निकाल दिया गया। आज का वीडियो यहीं एंड हो रहा है दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको शेयर किया जाएगा, और मेरा वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर कमेंट जरूर करें।